थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक पर होने वाला है। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल करके क्या इनपुट से एक वायर हम यूज़ करेंगे तो क्या यह बाईपास हो पाएगा। तो चलिए इसी बोर्ड से हम आज देखने वाले हैं लोड को चला के। तो ये हमारा फेस वायर है और ये हमारा न्यूट्रल वायर, टेस्टर से आपको दिखा देते हैं। ये हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा फेस है। वीडियो में आपको नहीं दिख रहा होगा टेस्टर में, लेकिन ये हमारा इनपुट वायर है और ये हमारा आउटपुट वायर जो कि आपके सामने है। तो चलिए हम लोड को चला लेते हैं पहले, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो इसी सॉकेट से हम लोड को चलाने वाले हैं। ये हमारा सॉकेट प्लग है तो इसी प्लग को हम इसमें इंसर्ट कर लेंगे। तो चलिए इसमें डाल लेते हैं। ये हमारा सॉकेट में घुस चुका है और हम लोड को चालू करते हैं। तो मीटर में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मीटर में हमारा एलईडी ब्लिंक होने लग गया है। जो लोड का लोड शो करता है एलईडी, वो हमारा देख सकते हैं ब्लिंक होने लग गया है। तो ये कनेक्शन हमारा नॉर्मली जैसे हमारे घर में किया हुआ होता है, वैसे ही नॉर्मली हमारा किया हुआ है कनेक्शन। इसमें कोई इलीगल तरीका नहीं है। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या इनपुट वायर से हम डायरेक्ट ले लेंगे तो क्या हमारा बाईपास हो पाता है। तो चलिए आज का वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। तो उससे पहले हम लोड को बंद कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारा आउटपुट वायर है, ये हमारा आउटपुट वायर गया हुआ है और ये इनपुट वायर है। तो इनपुट वायर से हम डायरेक्ट फेस लेने वाले, पहले फेस को जोड़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फेस वायर को हम निकाल लेते हैं आउटपुट वायर से। आउटपुट का जो ये हमारा फेस वायर है इसको हम निकाल लेते हैं। इसको हम स्क्रू ढीला करके इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारा इनपुट वायर है, इनपुट वाला फेस है ये वाला, इसमें हम जोड़ने वाले हैं। इसको हम डायरेक्ट लेंगे तो कटर की सहायता से हम इसको छील लेते हैं। तो इसको हम छील लिए हैं, अब इसमें हम इसको हम निकाल लेते हैं इंसुलेटर को, इंसुलेशन इसमें। तो इसको हम यहाँ पे जोड़ने वाले हैं। तो चलिए जोड़ लेते हैं इसको। इसको प्लायर की मदद से मोड़ देंगे क्योंकि हमारा लोड हेवी है तो इसमें स्पार्क होगा, इसलिए हम मोड़ लेते हैं। काम हमारा टेम्प्रेरी है, फिर भी हम मोड़ लिए अच्छी तरीके से ताकि स्पार्क ना हो। तो चलिए इस तरीके के कनेक्शन से हम देखते हैं क्या हमारा मीटर से बाईपास हो पाता है। इसमें हमारा फेस डायरेक्ट है और इसमें से हमने निकाल दिया है जो कुछ भी आपके सामने है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सप्लाई हमने दे दिया है, मीटर में देख पा रहे होंगे आप। तो चलिए हम लोड को ऑन करते हैं। फेस हमारा डायरेक्ट लिया हुआ है जो भी आपके सामने है, देख पा रहे हैं। तो क्या बाईपास हो पाता है? तो ये हमारा स्विच ऑन कर दिए, ये रहा। तो आप देख पा रहे होंगे मीटर में जो हमारा एलईडी ब्लिंक होता है वो ब्लिंक होने लग गया है, यानी कि एक वायर से इस तरीके के कनेक्शन से हमारा बाईपास नहीं हो पाएगा। देख पा रहे हैं सामने ब्लिंक होने लग गया है हमारा एलईडी, यानी कि लोड हमारा चल रहा है, एक वायर से हमारा शो कर रहा है जो कि हमारा न्यूट्रल वायर लगा हुआ है आउटपुट में और फेस को हमने डायरेक्ट जोड़ा है। तो इससे तो हमको पता लग गया है कि फेस वायर सिर्फ लेने से और आउटपुट से हम सिर्फ न्यूट्रल यूज़ करने से हमारा बाईपास नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो ऑफ़ कर लेंगे लोड को, उसके बाद हम सप्लाई को भी बंद कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल देंगे फेस को। फेस को यहाँ से निकाल के इसको आउटपुट में जोड़ेंगे। अब हम न्यूट्रल को ऐसे ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं आउटपुट में। अब हम न्यूट्रल का यूज़ करने वाले हैं। तो न्यूट्रल को हम निकाल लेते हैं मीटर से, उसको निकाल लेंगे। उसके बाद हम अब हम न्यूट्रल का यूज़ करने वाले हैं। तो न्यूट्रल को हम छील लेते हैं, ये हमारा इनपुट वायर है तो इसको हम छील लेंगे। इसका इंसुलेशन काफ़ी हेवी है, इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसमें न्यूट्रल वायर जोड़ने वाले हैं, इसमें हम न्यूट्रल वायर जोड़ लेंगे। इसको अभी हम प्लायर की मदद से मोड़ लेंगे ताकि स्पार्क जनरेट ना हो। तो हम इसको भी प्लायर की मदद से मोड़ लिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम इसमें
सप्लाई देने वाले हैं। अगले बार हमने क्या किया था कि फेस को हमने लिया था, अब हम चेंज करके न्यूट्रल वायर को लिए हैं। जो भी आपके सामने अब हम सप्लाई देते हैं, फेस वायर हमारा आउटपुट से लिया हुआ है और न्यूट्रल को हमने इस बार डायरेक्ट किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इससे कनेक्शन से। तो हम पहले सप्लाई दे लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा लोड में क्या ब्लिंक होने लगता है LED। तो चलिए सप्लाई देते हैं। ये हमारा सप्लाई आ चुका है मीटर में, जो कि आपके सामने है, डिस्प्ले में शो होने लग गया है। अब हम इस तरीके कनेक्शन में चलिए लोड को चालू करते हैं। तो ये हमारा चालू हो चुका है लोड। तो इस बार भी आप ध्यान से देख पा रहे होंगे हमारा LED ब्लिंक होने लग गया है। इस बार भी जब हमने फेस का यूज़ किया था तब भी ब्लिंक होने लग गया था, सेम उसी प्रकार इसमें भी हमारा LED ब्लिंक होने लग गया है। तो इससे तो हमको कंफर्म हो चुका है कि आउटपुट वायर से हम एक वायर का यूज़ करेंगे और इनपुट वायर से हम एक वायर डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो भी हमारा मीटर में शो होने लगेगा कि हमने लोड चलाया हुआ है। तो इस वीडियो से हम कोई चोरी करना नहीं सिखा रहे हैं, हम सिर्फ कुछ नॉलेज शेयर करने वाले थे आप लोग के सामने। तो हमारा देख पा रहे हैं कि LED ब्लिंक होने लग गया है, जो कुछ भी आपके सामने है। तो हमारा इस तरीके के कनेक्शन से भी हमारा लोड देख सकते हैं चल रहा है। तो हमारा शो होने लग गया है मीटर में कि हमारा एक वायर से भी हमारा लोड चल रहा है, जो कुछ भी आपके सामने देख पा रहे हैं हमारा मीटर में LED ब्लिंक होने लग गया। तो हमने दो बार हमने कनेक्शन करके दो तरीके से आप लोग को दिखाया। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही और इलेक्ट्रिक से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।